तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं होममेड खोया, जिसे दूध का मावा भी कहते हैं। तो इसे हम आज मिल्क पाउडर से सिर्फ 3 मिनट में बनाने वाले हैं। और इसका जो टेक्सचर आता है वो बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं खोया, बिल्कुल वैसा एकदम दानेदार आएगा। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो खोया बनाने के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून जितना घी, 1/2 कप जितना दूध लेंगे, और 1 कप जितना हम दूध पाउडर लेने वाले हैं। यहाँ पे मैंने जो नेस्ले कंपनी का 10 रुपये वाला पैकेट आता है, वैसे 5 पैकेट ले लिए हैं, उतने में आपका 1 कप हो जाएगा। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक नॉनस्टिक कढ़ाई को हमने मीडियम से लो फ्लेम पे चालू कर लिया है, और इसके अंदर हम घी डालेंगे, इसके अंदर हम दूध डाल देंगे, और घी और दूध को थोड़ा सा हल्का गर्म होने देंगे। तो दूध गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है फ्रेंड्स। अगर आप एक ही साथ ऐड कर दोगे दूध के पाउडर को तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी और बहुत सारे लम्स पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे इसे, ताकि ये जो मिक्सर बने वो एकदम स्मूथ बने। तो अब इसको हम मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो जैसे जैसे हम इस मिक्सर को पकाते जाएंगे तो आप देखोगे जो हमारा मिश्रण है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। मिल्क पाउडर जो है वो दूध को अपने में सोख लेगा और ये धीरे धीरे पकता जाएगा। तो इसके अंदर आप टेक्सचर भी देखोगे, इसका जो टेक्सचर है वो भी एकदम दानेदार आया है। जो ओरिजिनल हम डेयरी से लाते हैं मावा, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो मावा हमारा बन चुका है फ्रेंड्स, इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, और प्लेट में निकालने के बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो इस मावे को आप 7 दिन तक किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज के अंदर स्टोर कर सकते हो, तब तक इसके टेस्ट को कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, एकदम दानेदार और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल हलवाई जैसा बना है। इस खोया को आप किसी भी रेसिपी में, किसी भी मिठाई में, कुछ भी बनाने में यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। बिल्कुल बाहर जैसा मावा आपका बनकर रेडी हुआ है। आप इसे घर पर ज़रूर से बनाएं, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।